उम्मीद कर रहा हूँ ना कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल RS Edits पे। दोस्तों प्रीव्यू में जैसे कि अभी आप एक वीडियो देखे होंगे ना, सेम वही वीडियो का ट्यूटोरियल आज आपका भाई आप लोग के लिए ना इस वीडियो में लेके आ चुका है। अगर आप लोग को भी कुछ सेम उसी प्रकार का वीडियो क्रिएट करना है ना, तो इस वीडियो को आप पूरा फुल वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ना आपका भाई पूरा इजी स्टेप में आप लोग को बताने का कोशिश किया है ना कि आप लोग को उस प्रकार का वीडियो क्रिएट कैसे करना है। दोस्तों उस टाइप का वीडियो क्रिएट करने के लिए ना आप लोग को एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है एलाइट मोशन एप्लीकेशन। अगर आप लोग के पास ये एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आपको इस एप्लीकेशन का मोड वर्जन चाहिए होगा तो आप लोग हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइएगा, वहां पे आप लोग को इस एप्लीकेशन का मोड वर्जन का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं उस टाइप का ना वीडियो क्रिएट करने के लिए एक बीटमार्क का यूज किया हूँ एंड एक सेक इफेक्ट का यूज किया हूँ, तो इस दोनों का भी लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ मैं जितना फोटोज का यूज किया हूँ वो सब फोटोज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपने ना एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि आपका भाई यहाँ पे एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर चुका है। एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ये प्लस का एक आइकन आप देख रहे होंगे ना, जस्ट इसके बगल में प्रोजेक्ट्स का एक सेक्शन दिख रहा होगा, इस प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन पे आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी हम दो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किए हैं ना, यही दोनों प्रोजेक्ट को आपको इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे टैप करके ओपन करना पड़ेगा। बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे टैप करके आप लोग ओपन कर लीजिएगा। बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को आप लोग ओपन करिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा बीट बना हुआ है एंड बहुत सारा यहाँ पे लेयर भी आप लोग को दिया गया है। तो आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं आप लोगों को कहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को लेयर सब दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आप लोग को लेयर यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप करके, और यहाँ पे आप लोग कुछ इस प्रकार का नॉर्मल सा लेयर है। तो ये सब लेयर सब पे ना आप लोग को फोटोज को लगाना पड़ेगा। तो फोटोज लगाने के लिए आप लोग को डायरेक्टली इस लेयर पे टैप करना पड़ेगा, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे आ जाना पड़ेगा, स्टार मार्क पे आप लोग को टैप करना पड़ेगा, फिर से आप अपना फोटो खोज लीजिएगा। फोटोज आप यहाँ पे रखे हैं तो ये मेरा फोटो वाला फोल्डर है, तो यहाँ से हम कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद प्लस वाले आइकन पे टैप कर देंगे, फोटो मेरा लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। सेम यही प्रोसेस करके यहाँ पे जो दो लेयर दिख रहा है उस लेयर पे फोटो को लगाइएगा, फिर इधर आइएगा तो इस बीट पे आप लोगों को फोटो को लगाना है। तो बीट पे फोटो लगाने के लिए प्लस वाला आइकन पे आप आइएगा, मीडिया वाले ऑप्शन पे आइएगा, फोटो को सिलेक्ट करिएगा, थ्री डॉट पे टैप करके फिल कंपोजिशन एरिया करके पूरे फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। इस एरो पे से नेक्स्ट बीट पे आइएगा, बचा हुआ जो आपका फोटोज का पार्ट होगा उसको इस वाले ऑप्शन पे से टैप करके कट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जितना बीट दिख रहा है कुछ सेम यही प्रोसेस करके बीट सब पे भी फोटो को लगाना पड़ेगा। इस साइड आएगा तो यहाँ पे ग्रुप वन करके एक लेयर आप लोग को दिख रहा होगा एंड एक इमेज करके लेयर दिख रहा होगा, तो आप लोग डायरेक्टली इमेज वाले लेयर पे टैप करिएगा, एडिट ग्रुप पे टैप कर लीजिएगा। यहाँ पे येलो कलर का एक लेयर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस येलो वाले लेयर पे टैप करिएगा, कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे टैप करके स्टार मार्क पे टैप करिएगा, उसके बाद फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्लस वाले आइकन पे टैप कर लीजिएगा, फोटो आपका लग जाएगा, उसके बाद यहाँ से बैक हो जाएगा। तो सेम कुछ यही प्रोसेस करके यहाँ पे आप लोग ग्रुप सब पे भी फोटो को लगा लेना पड़ेगा। इतना करने के बाद फिर से आप इसको इधर साइड स्क्रॉल करिएगा तो इस साइड भी आप लोग कुछ इस प्रकार का लेयर सब देखने को मिलेगा। तो जैसे पीछे में अभी आप कलर एंड फिल करके फोटोज को लगाए थे, सेम यहाँ पे भी आप लोगों को वही प्रोसेस करके फोटोज को लगाना पड़ेगा। जिस लेयर पे इमेज को लगाना वहां पे देख लीजिए, यहाँ पे वहां पे हम इमेज लिख चुके हैं,
जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का लेयर पे इमेज लगाना है तो इमेज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों ब्लू है लेयर पे इमेज लगाना तो इस दोनों पे भी इमेज लिखा हुआ है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को फोटोज को कैसे रिप्लेस करना है। तो जाइए पहले आप लोग जल्दी से यहाँ पे फोटोज को रिप्लेस करिए, तब तक हम भी यहाँ पे फोटोज को रिप्लेस करके फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि आपका भाई यहाँ पे फोटोज को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा चुका है। और दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना कि आप लोग भी फोटोज को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा चुके होंगे। दोस्तों फोटोज को लगाने के बाद आप लोग को फोटो सब पे ना इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। जो जो फोटो आप बीट सब पे ऐड किए थे ना, वो सब फोटो पे आप लोग को इफेक्ट को लगाना पड़ेगा। तो इफेक्ट लगाने के लिए देखिएगा नीचे में आप लोग को एक लेयर देखने को मिलेगा, जो लेयर मेरा इफेक्ट का नंबरिंग दिया हुआ। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पहला नंबर वाले इफेक्ट को आप कॉपी करिएगा, इसके ऊपर में जो जितना फोटोज आपको देखने को मिलेगा वहां पे जाकर पेस्ट कर दीजिएगा। इस साइड आएगा तो यहाँ पे आप लोग को 2 लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो सेकंड नंबर वाले इफेक्ट को आपको कॉपी करना पड़ेगा, इसके ऊपर में जितना फोटोज देखने को मिलेगा वहां पे जाके पेस्ट करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं इफेक्ट आपको कैसे लगाना है। तो इफेक्ट लगाने के लिए आप लोग को डायरेक्टली यहाँ से बैक होना पड़ेगा, बैक होइएगा, उसके बाद सेक इफेक्ट को यहाँ से आप लोग ओपन करिएगा। सेक इफेक्ट को ओपन करिएगा तो यहाँ पे आप लोग को 3 इफेक्ट देखने को मिलेगा। यही तीनों इफेक्ट का यूज करके आप लोग को ना वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहला नंबर वाले इफेक्ट पे आप कैप करिएगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा, 3 डॉट पे कैप करके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा। ये इफेक्ट आपका कॉपी हो जाएगा, फिर से यहाँ से आप लोग बैक हो जाइएगा, बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को आप लोग डायरेक्टली टैप करके ओपन करिएगा। बीटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करिएगा, देखिएगा आपका 1 करके लेयर कहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा 1 करके लेयर बना हुआ है, तो इसके ऊपर मेरा जितना फोटो देखने को मिलेगा वहां पे जाके आप लोग इस इफेक्ट को लगा लीजिएगा। तो इफेक्ट लगाने के लिए आप लोग को डायरेक्टली इस लेयर पे टैप करना पड़ेगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, 3 डॉट पे टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये इफेक्ट लग जाएगा। तो कुछ सेम यही प्रोसेस करके आप लोग को यहाँ पे सारे फोटोज पे इफेक्ट सबको लगा लेना पड़ेगा। इफेक्ट सबको लगाने के बाद ना आप लोग का ना वीडियो बनके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को इस वीडियो को अपने गैलरी में सेव करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर कॉर्नर में आपको एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस शेयर वाले ऑप्शन पे आप लोग डायरेक्टली टैप कर दीजिएगा। नीचे में एक्सपोर्ट करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आप टैप कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ परसेंटेज चलता हुआ आपको शो करेगा, जब ये आपका 100% हो जाएगा तो आप लोग के सामने ना एक अलग इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे आप वेट कर लीजिएगा 100% होने का। ओके दोस्तों, 100% होने के बाद ना हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि नीचे में आप देख रहे हो ना, सेव करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा ना, इस सेव वाले ऑप्शन पे आप टैप करिएगा, ये वीडियो आपके गैलरी में ना डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ना कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का ना वीडियोस का ट्यूटोरियल आपको इस चैनल पे पर डे देखने को मिलते ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में ना बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।